हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायो टीचर रोशन सर। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो नाउ द डेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, मीन्स एयर कैसे पॉल्यूटेड होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो इससे रिलेटेड काफ़ी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट पेज नंबर 241। मीन्स आज हम लोग पेज नंबर 241 पे जो चीज़ें दी गई है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी एयर पॉल्यूशन से ही रिलेटेड है। ओके, मीन्स एयर कैसे पॉल्यूटेड होती है, जो एयर है वो हवा कैसे दूषित हो जाती, कैसे पॉल्यूटेड हो जाती, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो आज उसी से रिलेटेड आगे की चीज़ें हम लोग पेज नंबर 241 पे जो दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन इज सेइंग दैट, कह रहा बूझो रिमेंबर्स सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमोसफियर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे कि बूझो जो है दो पर्सन थे इस चैप्टर में, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें देख रहे हैं दो पर्सन का नाम आ रहा है, एक पहेली है एक बूझो। तो इसमें कह रहा जो बूझो हैं इनको कुछ याद है, क्या याद है कि इन्होंने जो विंटर सीजन में एक फॉग लाइक स्ट्रक्चर देखा था, एक लेयर देखा था, मोटी लेयर, ठीक है, जो किससे लग रहा था, कैसे बनी लग रहा था, किससे, फॉग से, ठीक है। सो वही कह रहा कि बूझो रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर, बूझो को याद आ रहा है या बूझो याद कर रही है, क्या याद कर रहे हैं कि सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर, उन्होंने क्या देखा था कि एक थिक मीन्स मोटा और फॉग लाइक लेयर, फॉग मीन्स आप जान रहे हैं क्या होता है, फॉग मीन्स कोहरा, ठंडी के दिन में कोहरा दिखता है ना, तो उसी कोहरा कि कोहरे के जैसी संरचना एक लेयर के रूप में देखा था, कहाँ पे, एटमॉस्फियर में, इन द एटमॉस्फियर मीन्स वायुमंडल में। एंड कह रहा स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, किस समय, स्पेशली विंटर सीजन में मीन्स ठंडी के दिनों में, समझ रहे हैं। एंड आगे कह रहा दिस इज स्मॉग, वो जो फॉग लाइक लेयर था ना डियर स्टूडेंट्स, वो क्या था, स्मॉग था, स्मोक नहीं, क्या, स्मॉग। अब स्मॉग क्या होता है आप जान रहे हैं, आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से हट के चलिए, आगे वही सब चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको बताया था क्या कि पॉल्यूटेंट क्या होता है, पॉल्यूटेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो पॉल्यूशन को काज करने का काम करते हैं। ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, ये टू टाइप्स के होते हैं, कितने, टू टाइप्स के, बात को ध्यान से सुनिएगा, टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी एयर प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब वो चाहे जिस प्रकार का, जिस टाइप्स का पॉल्यूशन होगा उस हिसाब से होंगे, अगर एयर पॉल्यूशन है तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट हो जाएगा, वाटर है तो प्राइमरी वाटर पॉल्यूटेंट हो जाएगा, ठीक है, नॉइस है तो प्राइमरी नॉइस पॉल्यूटेंट हो जाएगा। स्पेशली नॉइस में नहीं, आपको इसी दोनों में पढ़ना होता, वाटर में और एयर में, दोनों पॉल्यूटेंट मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ना होता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट या प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते क्या, इतना समझिए पहले, फिर बाद में जानिएगा प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होते। देखिए पॉल्यूटेंट तो आप समझ गए क्या होता, अब देखिए जो पॉल्यूटेंट होते हैं इसमें मैंने बताया टू टाइप्स के, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होगा उसका मतलब वो जिस फॉर्म में रहेगा, जिस रूप में रहेगा, उसी रूप में वो पॉल्यूशन काज करने का फंक्शन करता है, कार्य करता है, समझ रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी एयर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या करता है कि दो पॉल्यूटेंट आपस में मिल के, समझ रहे हैं, वो पॉल्यूटेंट प्राइमरी भी हो सकते हैं, ठीक है। कह रहा कि पॉल्यूटेंट आप दो पॉल्यूटेंट, कम से कम दो पॉल्यूटेंट आपस में कंबाइन होते हैं और ये मिल के जो एक नया रूप बनाते हैं, और वो नया रूप बनने के बाद जो एयर क्या करते हैं, पॉल्यूशन काज करने का काम करते हैं। तो वो जो नया रूप बना है दो पॉल्यूटेंट से मिल के, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब ये देखा जाएगा कि ये किस चीज़, किस टाइप का पॉल्यूशन काज कर रहा है, अगर एयर पॉल्यूशन काज कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, समझ रहे हैं। तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या हो गया, वो एयर पॉल्यूटेंट जो अपने ही फॉर्म में क्या करे, अपने ही रूप में एयर को पॉल्यूट करने का काम करे, वो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। और जो दो पॉल्यूटेंट आपस में मिल के एक बना नया पॉल्यूटेंट है, ये हो गया सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। ये पॉल्यूटेंट, ये सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट एयर को पॉल्यूट करने का काम करेगा, समझ रहे हैं। जो किससे बना होगा, कम से कम दो एयर पॉल्यूटेंट से मिल के बना होगा, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट,
आई होप कितना समझ में आया होगा। अब इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, जो स्मोग वर्ड लिखा है SMOG, ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, ये आपके टॉपिक में नहीं लिखा होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ इजिली आप समझिए। कह रहा है स्मोग, स्मोग जो वर्ड लिखा है SMOG, ये क्या है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, ये बना किससे होता है, ये चीज़ आगे मिलेगा आपको, बना किससे होता है ये जानिए। देखिए स्मोग वर्ड जानते हैं SMOK, स्मोक मीन्स होता है धुंध या धूम या जिसको हम बोलते हैं धुआं, समझ रहे हैं, मीन्स स्मोक, और एक होता है फॉग। स्मोक जो है डियर स्टूडेंट ये भी प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है, क्या है प्राइमरी, मीन्स ये अपने ही फॉर्म में क्या करता है एयर को पॉल्यूट करने का काम करता है। अब दूसरा वर्ड मैंने आपको दिया फॉग FOG, फॉग मीन्स होता है कुहरा जो ठंडी के दिन में हमको दिखता है, ये भी एयर को पॉल्यूट करने का काम करता है, इसलिए ये भी प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है। तो आपने देखा दो एयर पॉल्यूटेंट, एक स्मोक एक फॉग, ये स्मोक और फॉग जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तब बनता है स्मोग। देखिए SMOK से सिर्फ किसको लिया है, SMO को लिया है, के को छोड़ दिया है, फिर फॉग में जाइए, फॉग में FO को छोड़ दिया, वहाँ से जी को लिया, मीन्स यहाँ अब क्या बना SMO और जी, मीन्स इन दोनों को स्मोक और फॉग में से स्मो लिया है और फॉग में से जी लिया, इनको मिला के बनाया है स्मोग। ठीक है, ये जो स्मोग है डियर स्टूडेंट्स ये क्या है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, मीन्स दो एयर पॉल्यूटेंट है ना, दोनों प्राइमरी हैं, स्मोक भी प्राइमरी है फॉग भी प्राइमरी, इन दोनों से मिलके बना स्मोग। स्मोग क्या होता है, ये धुआं और कोहरा आपस में मिल के बनता है, मीन्स इसको हम कहते हैं धूम कोहरा, क्या बोलते हैं धूम कोहरा, ये भी पॉल्यूशन काज करने का काम करता है, लेकिन ये कैसा होता है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्मोग। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आप लोग आगे की क्लास में जब जाएंगे तो सब मिलेगा पढ़ने के लिए, यहाँ पे सिर्फ आपको यही लिखा है स्मोक के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको इजीली समझा दिया स्मोक क्या है, कैसे ये सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, और सेकेंडरी क्या होता है प्राइमरी क्या होता है आप जान गए। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपके अब आपके बुक के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ। कह रहा है दिस इज स्मोक, आप जान गए स्मोक क्या है। ठीक है, अब देखिए इसी के बारे में लिखा विच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग, समझ गए, जो किससे बना होता है स्मोक और फॉग से, मींस धुआं मींस धूम आप कह लीजिए और कोहरा, इन दोनों से मिलके क्या बना होता है धूम कोहरा, जिसको हम बोलते हैं स्मोक, समझ गए। कह रहा है स्मोक में कंटेन, जो स्मोक होता है ना जो धुआं होता है वो कह रहा है कि स्मोक में कंटेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो स्मोक होता है ये क्या कंटेन करता है, इसमें क्या होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, उसी को कह रहा है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। कह रहा है विच कंबाइंड, ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ये कंबाइन हो जाते हैं, किससे जाके कंबाइन हो जाते हैं, किससे जुड़ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, अदर एयर पॉल्यूटेंट, और भी एयर पॉल्यूटेंट है ना, अब देखिए उसी में लिखा एंड फॉग, फॉग भी क्या है एयर पॉल्यूटेंट है, तो कह रहा है कि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है स्मोक, स्मोक कंटेन क्या करता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो स्मोक का जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ये कंबाइन हो जाता है अदर एयर पॉल्यूटेंट से, जिसमें आपका एक क्या होता है फॉग भी होता है, इसी फॉग से जाके कंबाइन हो जाएगा, मींस स्मोक जाके किससे कंबाइन होगा फॉग से, और क्या बना देगा डियर स्टूडेंट्स स्मोक, समझ गए। कह रहा है द स्मोक काजेज, अब ये जो स्मोक बना ये क्या करता है, कह रहा है स्मोक काजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत परेशानी पैदा करता है, डिफिकल्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि द स्मोक काजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, कैसी कैसी डिफिकल्टीज काज करेगा अस्थमा, अस्थमा मतलब आप जान रहे हैं उस डिफिकल्टीज में एग्जाम्पल दिया है, पहला क्या है अस्थमा, अस्थमा का जिसको हम सामान्य भाषा में दमा बोलते हैं, दमा, दमा काज कर सकता है, एंड कफ मीन्स खांसी, एंड वीजिंग इन चिल्ड्रेन, वीजिंग जानते हैं क्या होता है, आप देखें कि जब बच्चे छोटे कंडीशन में होते हैं तो जब वो सांस लेते हैं तो उनके सीने के अंदर सनसनाहट की आवाज़ होती है ना, सनसन सनसन या ऐसे खरखराहट की आवाज़ होती है, उसी को कह रहा वीजिंग है ना, वो उस कंडीशन को बोलते हैं वीजिंग, और ये स्पेशली बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में जब उनको जुकाम वगैरह हो जाता है, मीन्स वो भी जुकाम कब होगा जब अगर पॉल्यूटेड एरिया है उसमें अगर जुकाम हो गया उस समय तो तुरंत वीजिंग काज हो जाएगा, मीन्स सीने में खरखराहट की आवाज़ आएगी सांस लेते वक्त, तो ये सब बीमारियां काज करता है कौन स्मोग, और स्मोग क्या होता है
सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होता है, जो बना किससे होता है, स्मोक से एंड फॉग से। जो स्मोक होता है इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, यही नाइट्रोजन के ऑक्साइड जाके कंबाइंड हो जाते हैं फॉग से और बना लेते हैं स्मोक। देन ये स्मोक क्या करता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज काज करता है, जैसे अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रेन। समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। कह रहा मेनी इंडस्ट्रीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग एयर पॉल्यूशन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ना, कह रहा है कि मेनी इंडस्ट्रीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये भी सब जो भी जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं डियर स्टूडेंट, ये सब क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं क्या काज करने के लिए, एयर पॉल्यूशन। आपको पता है इंडस्ट्रीज से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो देखिए यहाँ पे पेज में छपा भी है ना, फिगर बना है 240 पे, वहाँ से देखिए जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, यहाँ से क्या होता है, चिमनी के माध्यम से धुआं निकलता है। ये क्या, ये धुएं क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा पेट्रोलियम रिफिनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं, जो पेट्रोलियम रिफिनरीज हैं ये भी क्या करते हैं, ये मेजर रूप में बड़े रूप में क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूट करने का काम करते हैं। सो उसी कह रहा मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड काज करता है और ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या काज करेगा, एयर पॉल्यूशन। समझ रहे हैं, कह रहा एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी दोनों लिखा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीन्स ये जो है पेट्रोलियम रिफिनरीज यहाँ से क्या निकलता है, दोनों प्रकार के गैसे सॉक्स और नॉक्स इसको हम बोलते हैं, मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड नॉक्स मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ये दो के दोनों प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट हैं, दोनों प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट हैं। ये क्या करेंगे कि ये आपस में कंबाइन होके या फिर किसी रूप में या तो प्राइमरी रूप में भी या सेकेंडरी रूप में एयर को काज पॉल्यूट एयर में पॉल्यूशन काज करने का काम करेंगी। समझ रहे हैं, सो ये क्या है, एयर पॉल्यूटेंट ही है, कौन कौन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आई होप कितना समझ में आया होगा, आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, अब देखिए पॉल्यूशन कैसे काज करते हैं, आगे देखिए, कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाई कंबसन ऑफ फ्यूल। ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड जो हम फ्यूल को जलाते हैं ना, कंबसन ऑफ फ्यूल लाइक कोल इन पावर प्लांट। पावर प्लांट में आपको बताया था, यहाँ पर प्लांट से जरा सा भी रिलेशन नहीं है पावर प्लांट में। पावर प्लांट का मतलब जो विद्युत संयंत्र होते हैं, जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में यूज किए जाने वाले सिस्टम होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं पावर प्लांट। तो पावर प्लांट में कुछ फ्यूल का हम यूज करते हैं, जलाते हैं उनको, ईंधन एज ए ईंधन फ्यूल उसको क्या करते हैं, जलाते हैं। उनके जलने के बाद कुछ गैसेज रिलीज होते हैं, ठीक है। अब उसको जलाने में आपका जैसे कोल हो गया, कोयला वगैरह हो गया ना, इनको जलाएंगे आप तो क्या निकलेगा डियर स्टूडेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यही सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगी, रिस्पायरेटरी डिजीज काज करेगी, है ना। मींस आपको क्या होगा, एयर में सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो ईजिली आप समझ सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन काज करने का काम करेगी। आगे लिखा इट कैन काज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, वही चीज़ जो मैंने अभी बताया, वो क्या काज करेगी, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम इंक्लूडिंग परमानेंट लंग्स डैमेज। और इसके साथ साथ और क्या कर सकती है, परमानेंट रूप से लंग्स को डैमेज कर सकती है। जो कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, कहाँ से निकलती है, पावर प्लांट में जो फ्यूल होते हैं इनको, इनका जब कंबसन होता है, जलते हैं, तो उस समय ये रिलीज होती है, ठीक है। आगे कह रहे यू हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट किसके, अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग के बारे में आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जो जीवाश्म ईंधन, जो मिट्टी में दबे कुचले जीवाश्म है ना, जो एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, वही बोले जाते हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक है। आपका कोल हो गया, कोयला, ये भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। तो इनका जब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो ये सब क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, कह रहा है अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। देखिए दो पॉल्यूटेंट्स के बारे में इधर आपने पढ़ लिया, ठीक है, तीन, जिसमें से स्मोक पढ़ा आपने, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पढ़ा, ठीक है। और इन सब के अलावा
आगे कह रहा है कि अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबके अलावा और भी कुछ प्रकार के एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिसमें से क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम बोलते हैं CFC। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हम लोग गर्मी के दिनों में जितने ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज करने वाले जो भी हमारे सिस्टम है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर हो गया, इन सब का यूज़ करते हैं, तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFCs कहते हैं। ये क्या करती है कि जो ओजोन होती है ना, ओजोन क्या होता है, इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको, फिर आगे भी डिस्कस करना है। ओजोन जो होती है डियर स्टूडेंट, ये तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के एक ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स 3 ऑक्सीजन होते हैं, ये आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, ओजोन। ये जो ओजोन गैस है ये कहाँ पे डिपॉजिट होती है, जो हमारा एटमॉस्फियर है, जो हमारा वातावरण है डियर स्टूडेंट, इसको हम अगर इजीली क्लासिफाइड करें, बांट दें, तो ये टोटल 5 लेयर में बढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा बात को, कितने में, 5 लेयर में, जिसमें से सबसे निचली जो लेयर होती है, जहाँ पर हम खड़े हैं ना, इस लेयर को अगर जैसे आप पृथ्वी पे खड़े, अर्थ पे खड़े, थोड़ा सा पैर उठाए, जैसे ही पृथ्वी को छोड़े, तुरंत आप आ जाओगे एग्जोस्फीयर में। कौन सा स्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। जैसे ही आपने पैर उठाया, तुरंत आप आ जाएंगे ट्रोपोस्फीयर। मींस क्या होता है कि इस, आप यहीं से देखिए, जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से ऊपर तक चलते चले जाइए, इस सब वातावरण में आएंगे। इस वातावरण को देखिए ईजिली, मैं आपको थोड़ा सा हट के समझा दूँ, जो हमारा टोटल विश्व है, अर्थ है, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ का जो सराउंडिंग है, जिसको हम नाम दे रहे हैं इन्वायरमेंट। समझ में बात आ रही, इन्वायरमेंट क्या होता है, मैं बता चुका हूँ, जिसको हम पर्यावरण कहते हैं, जो भी हमारे चारों तरफ सराउंडिंग कुछ भी दूर दूर तक दिखता है, ये टोटल वर्ल्ड क्या बोला जाएगा, इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट को डियर स्टूडेंट्स, जब आप क्लासिफाइड करोगे, तो मेनली 3 भाग में बांटोगे। बात को ध्यान से सुनिए, कितने भाग में, 3 भाग में। 3 में से फर्स्ट आपका होगा, एक होगा आपका, जिसको हिंदी में कहते हैं जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। जल मंडल को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, वायुमंडल को कहते हैं एटमॉस्फियर, एंड स्थल मंडल को जो तीसरा हमारा है, ये टेरेस्ट्रियल स्फीयर, जिस मतलब जहाँ पे टेरेस्ट्रियल रीजन, जो जहाँ पे स्थली भाग हो रहा है, ठीक है, जैसे जिस पृथ्वी पर हम लोग खड़े हैं ना, ये जहाँ पे जल और वायु नहीं है, मीन्स ये सूखा भाग, ये सब टेरेस्ट्रियल रीजन है ना, तो इसी को कह रहा है। अब मैंने आपको जिसमें से इन तीनों में से एक बताया एटमॉस्फियर, मीन्स वायुमंडल जो है, इसी वायुमंडल को डियर स्टूडेंट जब हम बांटेंगे, तो ये स्पेशली 5 परत में बटेगा, 5 भाग में बटेगा, ठीक है। तो जब इसको हम 5 भाग में क्लासिफाइड करेंगे, तो जो हमारा सबसे निचला है, ठीक है, इसको मीन्स हम लोग नहीं, जो इन्वायरमेंट के साइंटिस्ट लोग हैं, इन्होंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, इस एटमॉस्फियर को क्लासिफाइड किया मेनली 5 भाग में, कितने, 5 भाग में, एंड 5 पार्ट में क्लासिफिकेशन करने के बाद, अब इसका नाम हम जानते हैं कि फर्स्ट क्या होता है, तो जो आपका सबसे निचला, जहाँ पे आप खड़े हो, जैसे ही पैर को उठाओगे, तुरंत आप आ जाओगे ट्रोपोस्फीयर में, किसमें, ट्रोपो, एंड सेकेंड आता स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड आएगा मीजोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं मध्यमंडल, एंड फिर उससे ऊपर जाएंगे तो आयनोस्फीयर, जहाँ पे आयन आपको मिलेंगे, सो उसको हम बोलेंगे आयनोस्फीयर, एंड सबसे लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं वायुमंडल, एग्जोस्फीयर। समझ रहे हैं, ये 5 स्फीयर हैं आपके एटमॉस्फियर में। सो डियर स्टूडेंट, जो मैंने आपको सेकेंड नाम बताया, क्या, स्ट्रेटोस्फीयर, ये जो इसको सम तापमंडल, ये जो आपको एरोप्लेन वगैरह फ्लाइंग करते हुए दिखते हैं ना, ये जो एरोप्लेन उड़ती हैं इसी मंडल में, मीन्स स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ती हैं। समझ रहे हैं, इसी स्ट्रेटोस्फीयर में, ये जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे थे, ओजोन बना रहे थे, यही ओजोन मीन्स यही O3 जाके इस समताप मंडल मीन्स स्ट्रेटोस्फीयर, जो सेकंड नंबर का है आपका, इस स्ट्रेटोस्फीयर में जाके डिपॉजिट होने लगती है, और डिपॉजिट होके एक लेयर का फॉर्मेशन करती है, उसी को हम बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर वाले रीजन में, इसलिए इस स्फीयर को एक नाम और देते हैं, ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। समझ रहे हैं, अब देखिए ये जो ओजोनोस्फीयर है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो लेयर बन रही ओजोन की,
ये लेयर हमको अल्ट्रा वायलेट रेज कहाँ से निकलती है, सनलाइट से। जो सनलाइट्स अर्थ पे आती है, ये सनलाइट्स आती है अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज को किसके द्वारा, ओजोन के द्वारा रोक दिया जाता है, और सिर्फ सनलाइट्स की चमक ही यहाँ अर्थ तक आ पाती है। नहीं तो अगर अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ पे आएगी तो बहुत सारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काज करेगी, मींस आपको स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती है। प्लांट पे पड़ेगी डायरेक्टली तो प्लांट विल्ट कर सकते हैं, मुरझा सकते हैं, हमारी बॉडी पे पड़ेगी तो हम उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो इन सब अल्ट्रावायलेट रेज को, यूवी रेज को रोकने का काम ओजोन करती है, जो कहाँ पर होती है डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेटोस्फीयर में, समझ रहे हैं। सो अब इसी ओजोन को क्या करेगी कि रिड्यूस करने का काम करेगी, इसमें इसको डिप्लीट करने का काम करेगी, मींस इसका क्षरण करेगी, कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहाँ से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से, है ना, और एसी से, इन सब से निकलती है। तो मैंने अभी यही बताया, ये सब ये गैस क्या होती है, हमारे लिए पॉल्यूशन काज करेगी ना, क्योंकि ये ऊपर जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे जाके जो स्ट्रेटोस्फीयर, वहाँ पे पाए जाने वाली ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगी, उसका क्षरण करेगी, तो हमारे लिए प्रॉब्लम काज हो सकती है ना। तो इसलिए ये भी क्या है, एयर पॉल्यूटेंट है, समझ रहे हैं। सो वही लिखा है आगे, कह रहा है अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कह रहा विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर, जो कहाँ पर यूज़ की जाती है, रेफ्रिजरेटर में, कामा एयर कंडीशनर मीन्स एसी में, एंड एरोसॉल स्प्रेज आप जानते हो, जो फव्वारे निकलते हैं स्पेशली, जो है कि क्या होते हैं कि गेस्ट के वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेज लगाते हैं ना, तो इन सब से क्या निकलते हैं, सीएफसी निकलती है, समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट। आगे कह रहा सीएफसीज डैमेज द ओजोन लेयर, अभी जो मैंने आपको झेलम नदी की तरह समझाया वही चीज़ देखिए, कह रहा है कि सीएफसीज डैमेज द ओजोन लेयर को डैमेज करती आप द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। और मैंने इजीली आपको बता दिया कि एटमॉस्फेयर में कौन सी लेयर होती है, एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर होती है उसमें ओजोन पाई जाती है, तो इसी ओजोन लेयर को क्या करती है, डैमेज करती है। क्या रिकेल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट, कह रहा ओजोन लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है अस, मींस हमें, फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं उनसे हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, कौन, ओजोन लेयर, ठीक है। आगे कह रहा ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट, इसके बारे में आप क्या करिए, समझने का प्रयास करिए। कह रहा थैंकफुली लेस हार्मफुल, कह रहा कि बहुत अच्छा हुआ, थैंकफुल हुआ कि क्या लेस हार्मफुल केमिकल आर नाउ बीइंग यूज, जो केमिकल्स आजकल यूज किए जाते हैं वो थोड़ा सा लेस हार्मफुल हैं, किसके, एज ए कंपेयर सीएफसीज। सो वही कह रहा है कि थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज इन प्लेस ऑफ सीएफसीज, सीएफसीज की जगह अब कुछ थोड़ा सा कम हार्मफुल केमिकल्स का यूज किए जाने लगे हैं, इसलिए बहुत ही थैंकफुल बात है ये, समझ रहे हैं। सो उसी को कह रहा है डियर स्टूडेंट, कह रहा है थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज इन द प्लेस ऑफ सीएफसीज, समझ गए होंगे, मींस कहने का कि आजकल जो पहले सीएफसीज यूज होते थे, आज सीएफसीज की जगह थोड़ा सा कम हार्मफुल सबस्टेंस यूज किए जाते हैं, केमिकल्स यूज किए जाते हैं, समझ रहे हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है इन एडिशन टू द एबव मेंशन्ड गैसेज, जो आपने अभी ऊपर गैसेज पढ़ा है, इनके अलावा कह रहा है ऑटोमोबाइल, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ऑटोमोबाइल विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल, ऑटोमोबाइल में क्या चलते हैं, जो यातायात के साधन हैं इनमें डीजल या पेट्रोल का हम यूज करते हैं, वहाँ पे डीजल और पेट्रोल बर्न होते हैं, जलते हैं, और क्या प्रोड्यूस होता है उनकी वजह से, टीनी पार्टिकल, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, जो क्या काज करते हैं, एयर पॉल्यूशन, कह रहा विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम, जो क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एयर में काफ़ी लंबे समय तक पड़े रहते हैं, और फिर क्या काज करते हैं, एयर पॉल्यूशन काज करते हैं, कह रहा दे रिड्यूस विजिबिलिटी, एयर पॉल्यूशन काज करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट होगा, कह रहा दे रिड्यूस विजिबिलिटी, ये विजिबिलिटी जो हमको देखने की क्षमता होती है ना उसको कम करेंगे, व्हेन इनहेल्ड, और कब, कह रहा व्हेन इनहेल्ड दे काज डिजीज, जब हम देखिए इनहेल्ड
ये जो है ये स्टेप्स है रिस्पायरेशन की, सांस लेने का स्टेप्स है। जो सांस लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम टू स्टेप में लेते हैं। एक इनहेलिंग प्रोसेस होती है, एक एक्सहेलिंग। इनहेलिंग में हम गैसेस को इनटेक करते हैं, मीन्स अपनी बॉडी में, अपने लंग्स में अंदर लेते हैं गैसों को, और आउट फ्री जो करते हैं गैसेस को उसको एक्सहेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सहेल। तो यहाँ पे कह रहा है इनहेल मीन्स जब हम गैसों को अपने सांस लेते समय गैसों को अपनी बॉडी में, मीन्स अपने लंग्स में अंदर लेते हैं, उस कंडीशन को कह रहा है इनहेल। तो कह रहा है व्हेन इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, दे काज डिजीज, ये क्या करते हैं? डिजीज फैलाते हैं। ठीक है, कह रहा सच पार्टिकल आर आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड मीनिंग। कह रहा ऐसे पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, आर आल्सो प्रोड्यूस, ऐसे पार्टिकल और भी प्रोड्यूस होते हैं। कब प्रोड्यूस होते हैं? ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक, प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक स्टील मेकिंग। जब इंडस्ट्री में स्टील मेकिंग, स्टील को बनाया जाता है, इस्पात बनता है स्टील, या फिर मीनिंग प्रोसेस जब होती है, देन क्या होती है कि ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्री से। ये भी क्या करते हैं? एयर पॉल्यूटेंट का, एज आ एयर पॉल्यूटेंट फंक्शन करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है पावर प्लांट गिव आउट, अभी मैंने पावर प्लांट के बारे में बताया आप लोगों को। कह रहा पावर प्लांट गिव आउट टीनी अस पार्टिकल। अब देखिए पावर प्लांट से भी कुछ क्या होते हैं? अस मतलब होता है राख, राख निकलते हैं। जब भी फ्यूल को हम यूज़ करेंगे, उनको जलाएंगे, तो एक रिजल्ट ये आएगा कि राख निकलेगी। वो जो राख होती है उसमें भी छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करेंगे? विच आल्सो पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, ये भी एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इतना आपको लाइन टू लाइन ईजिली समझ में आया होगा। आगे डियर स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी दिया है 18.3। देखिए कह रहा प्रिपेयर ए टेबल, एक टेबल आप प्रिपेयर करिए, बनाइए। कह रहा यूजिंग द पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट का यूज़ करके, देखिए मेंशन एबव लिखा है ना, कह रहा प्रिपेयर ए टेबल यूजिंग द पॉल्यूटेंट मेंशन एबव, जो ऊपर आपने पॉल्यूटेंट अभी पढ़ा है उनका यूज करके एक टेबल का क्या करिए, आप फॉर्मेशन करिए, एक टेबल प्रिपेयर करिए, मीन्स एक चार्ट बनाइए, और उसमें क्या करिए, देखिए कह रहा यू मे इवन ऐड मोर डेटा टू द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल बनाइए, उसमें एक डेटा बनाइए। ठीक है, एक डेटा में मतलब आप, मीन्स आप कॉलम कॉलम बना लीजिए, एक डेटा तैयार करिए। कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में आपका क्या कह रहा है कि एयर पॉल्यूटेंट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए सोर्स, और थर्ड लिखिए इफेक्ट्स। मीन्स आपको फर्स्ट जो कॉलम है, जो भी अभी आपने एयर पॉल्यूटेंट्स ऊपर पढ़े हैं, इन सारे एयर पॉल्यूटेंट्स को के ऊपर बारी बारी डिस्कस करिए। मीन्स इसमें से अगर मान लीजिए आपने किसी को ले लीजिए, मान लीजिए आप स्मोग को ले लेते, स्मोग तो पहले वाले में एयर पॉल्यूटेंट्स में नाम लिखेंगे स्मोग। सोर्स आप लिखेंगे स्मोग बनता कहाँ से, तो अभी आपने पढ़ा कहाँ कहाँ से बनता है, उसका सोर्स लिखेंगे, और इसका इफेक्ट क्या होता है इफेक्ट वाले में लिखेंगे। ठीक इसी तरह और भी एयर पॉल्यूटेंट्स का क्या करिए, आप डेटा बनाइए और इसके बारे में डिस्कस करने के लिए बोल रहा है, और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? सो आई होप कि इतना आप लोगों को ईजिली लाइन टू लाइन समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। सो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे।